ये रहा हमारा मटन, ये देख लीजिए पूरा डेग में रखा गया है। और देख लीजिए इसमें बाल्टी में निखाला जा रहा है, भैया धोकर निखाल रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर पूरा मिर्चा डाला जा रहा है, पूरा लाल मिर्चा यहाँ पर मटन डाला जा रहा है ऑलरेडी। तो देख लीजिए यहाँ पर धीरे धीरे इसको भैया चलाएंगे और यहाँ पर कलेजी पूरा पक गया है। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी भट्टी जल रही है, तो यहाँ पर बनाया जा रहा है आज मटन। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए इस पलटे में जो बड़े भैया यहाँ पर तेल निखार रहे हैं, वो जो भी शुद्ध तेल है, तो इस पलटे में 1 लीटर तेल आता है। तो गाइज आप आज यहाँ पर बनाया जाएगा मटन, वो भी कितना बनाया जाएगा तो मैं ऑलरेडी आपको बता दे ता हूं। यहां पर बनाएगा 6 क्विंटल मटन, यानी 6 क्विंटल। आप लोग ने पहले सुना होगा कि नहीं सुना होगा तो जरूर बताइए कि कमेंट सेक्शन में। तो यहां पर जितना भी डेग दिखाई दे रहा है, तो यहां पर 8-500 डेग, यहाँ पर 50 डेग लगभग यहाँ पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि 6 क्विंटल मटर बनने वाला है। तो ऑलरेडी जहाँ पर यहाँ पर बड़े भैया पलटे में कम से कम ये ना इसका नपना है, तो यहाँ पर इसको ऑलरेडी 4 लीटर तेल डाला जा रहा है। तो यहाँ पर देख ले बड़े भैया डेग चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भट्टी चल रही है, डेग चढ़ाने के बाद यहाँ पर तेल गर्म होगा। तो यहाँ ऑलरेडी देख ले बड़े भैया धीरे धीरे भट्टी पर यहाँ पर डेग में तेल जो ऑलरेडी डाला गया है यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ऑलरेडी यहाँ पर तेल पक गया, तो यहाँ पर प्याज डाला जाएगा, यहाँ पर लगभग 4 केजी प्याज डाला जाएगा। तो देख लीजिए 2 केजी हो गया है, तो इसमें भी डाला जाएगा, हर डेग में तेल पक गया, हर डेग में 4-4 केजी प्याज डाला जाएगा। तो यहाँ पर मटन अभी तो बनाया जाएगा 6 क्विंटल, तो पहले इस लाइन में 120 केजी बनाया जाएगा, यानी 1 क्विंटल 20 किलो। तो ऑलरेडी देख लीजिए कितना डेग लगा है, इस डेग में पूरा 1 क्विंटल 20 किलो बना। तो ऑलरेडी इधर भी डेग चढ़ाया गया है, देख लीजिए यहाँ पर पूरा मटन बनाया जा रहा है, वो भी 10,000 आदमियों को व्यवस्था के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी भट्टी जल रही है, यहाँ पर आँच लग रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर प्याज में भैया और इसमें डाला गया तेज पत्ता और दालचीनी डाला जाएगा। तो यहाँ पर देख ले भाई भैया धीरे धीरे डाल रहे हैं, और सभी डेग में धीरे इसी तरह डालते चले जाएंगे, क्योंकि पकता रहेगा इसमें भैया पीछे चलाते रहेंगे। और देख ले दालचीनी है हमारा, यहाँ पर तेज पत्ता। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी डेग में धीरे धीरे भैया इसको डाल देंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर प्याज गर्म हो गया है और लाल भी हो गया, पक भी गया है। यहाँ पर हमारा मटन, ये देख लीजिए मटन हमारा रेडी हो गया है। तो सभी प्रकार का पूरा मटन दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह इसको काट कर रखा गया है, अभी तो 120 केजी है, अभी तो बगल में भी रखा गया, 6 क्विंटल पूरा लगभग बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए पूरा व्यवस्था किया गया है, पूरा आल टू आल व्यवस्था किया गया। यहाँ पर देख लीजिए हमारा मटन पूरा लाल लाल काट कर रखा गया है, और इसको पानी में भिगोया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर धोया जाएगा, उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर देख लीजिए बड़े भैया पानी डाल रहे हैं, उसके बाद धोएंगे। तो यार ऑलरेडी पास गोड़ा है जो उसको आप लोग कहते हैं, हमको यही चाहिए खाने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पर पूरा रखा गया है, अभी धोया जाएगा, और ऑलरेडी धोने के बाद इसको जाएगा मतलब पकाने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए बड़े भैया पानी डाल रहे हैं और धीरे धीरे इसको धोएंगे, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पूरा व्यवस्था किया गया, क्योंकि 6 क्विंटल मटन कड़ा भी तो 120 केजी है, तो अभी 6 क्विंटल आज पूरा बनेगा, तो वह 10,000 आदमियों का व्यवस्था है। तो यहाँ पर प्याज में डाला जाएगा हमारा हल्दी, तो जितने भी डेग लगाए गए धीरे धीरे भैया हल्दी समिट में डाल देंगे, 200-250 ग्राम यहाँ पर हल्दी डाला जाएगा। तो लगभग देख लीजिए पूरा आल टू आल पूरा इस प्याज में प्याज पक गया है, और उसके बाद हल्दी डाला जा रहा है हमारा। तो देख लीजिए ऑलरेडी इसको धीरे धीरे भैया इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर लाल मिर्च, तो यहाँ पर देख लीजिए लाल मिर्च इसको बाद धीरे धीरे डाले जाएगा, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, 200-250 ग्राम के बीच में डालते रहेंगे भैया। यहाँ पर जितने भी डेग है, तो 8 डेग में यहीं पर डाला जाएगा, जितना भी डेग लगा हुआ है सभी सब में, क्योंकि मटन पकना है। जो आप लोग मटन ज़्यादा पसंद करते हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो 90% यहाँ पर चिकन और मटन ज़्यादा खाने, तो 20% जो भी शाकाहारी हैं जो भी हैं। तो यहाँ पर गाइस, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी भैया भैया इसको चलाएंगे और मसालों को ऑलरेडी मिला देंगे, और धीरे धीरे पकता रहेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर डालते हैं मैं बताता रहूँ क्या क्या इसमें डालेंगे बड़े भैया। इसको बाद ऑलरेडी धीरे धीरे इसको चलाएंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि पक जाएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बाल्टी में इसको धोकर निकाला जाएगा, हमारा मटन का पारी आ गया, मटन इसको पकाया जाएगा। यहाँ पर बड़े भैया देखो धोकर इस बाल्टी में निकाल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारा डेग में जो बे आग पर लगाया मतलब चूल्हे पर रखा गया उस पर डाला जाएगा। तो बड़े भैया लेकर जा रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर डाला जाएगा, ये कम से कम 20 केजी एक डेग में पड़ेगा, लमसम 20 केजी। इस बाल्टी में 10 केजी यार आता है, और इस 20 केजी इस हर डेग में डाला जाएगा। तो देख लीजिए एक डेग में 20 केजी यहाँ पर मटन पकाया जाएगा। तो ऑलरेडी देख लीजिए बड़े भैया धीरे धीरे डाल दे रहे हैं, और सभी डेग में डाला जाएगा। यहाँ पर हमारा जो भी मसाला था वो
अभी पक गया। बड़े भैया इसको धीरे धीरे चलाएंगे तो ऑलरेडी इसके आँच ना लगने पाए यहाँ पर चला देंगे बड़े भैया, तो ऑलरेडी देख रहे धीरे धीरे इसको चला देंगे। तो और बता देता हूँ गाइस, तो यहाँ पर जितने भी आज व्यवस्था किया गया है तो सबसे हाई फाई, आपने पहले भी इतना चिकन पकते हुए मटन देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर डाला जाएगा हमारा लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ पर धीरे धीरे भैया लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं, तो देख लीजिए सभी डग में ऐसे ही डालते चले जाएंगे। और उसके बाद इसका अदरक का भी पेस्ट डालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए बड़े भैया यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डालते हर डग में धीरे थोड़ा थोड़ा डालते चलेगा, 200-250 ग्राम के बीच में डाले जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए धीरे धीरे भैया हर डग में डालेंगे, तो यहाँ पर अब देखते हैं इसके बाद क्या डालते हैं। वही लग रहा है अदरक का पेस्ट मारेंगे, तो यहाँ पर फिर इसको बाहर डाल देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी रखा गया अदरक का पेस्ट, यहाँ पर अदरक का पेस्ट उठाकर भैया धीरे धीरे सब में डालेंगे। तो ऑलरेडी देख लीजिए सभी डिक में ऐसे डाला जाएगा जिससे लहसुन का पेस्ट डाले हैं, तो यहाँ पर अदरक भी डाल देंगे। तो गाइज यहाँ पर आज 10,000 आदमियों का व्यवस्था किया गया है। तो गाइज आपने पहले कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे हम प्रयास करेंगे आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखाने के लिए। तो गाइज यहाँ पर तो देख लीजिए धीरे धीरे भैया सभी डाल रहे हैं, और यहाँ पर चिकन में यहाँ पर हमारा खड़ा पीसा हुआ, मतलब जो खड़ा मसाला होता पीसा हुआ है उसको डालेंगे, क्योंकि यही है मेन, यही है अगर खड़ा मसाला ना डालेंगे तो कोई टेस्ट नहीं रहता है, कितना भी प्याज डाला जाएगा यही है जो महक को फैला देता है। सभी लोग कहते हैं हम मटर बढ़ रहा है, तो यार आडी भाई भैया बड़े भैया खड़ा मसाला डाल दिए हैं, अब इसको धीरे धीरे आँच में पकाया जाएगा और इसको चलाया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इस डेग में पूरा मटन 20 kg हमारा पूरा हर डेग में पूरा लगाया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी बड़े भैया यहाँ पर इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसको बड़े भैया अच्छे से चला देंगे। देख लीजिए 5-6-7 कारीगर हैं, सभी अच्छे से चला रहे हैं, उधर भी कारीगर लगाया गया है, पूरा ऑलरेडी जितना डेग दिख रहा है आपको आगे से पीछे तक वो पूरा इसमें मटन पकाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा मटन धीरे धीरे इसको चलाएँगे और पकाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये मटन हमारा अब इसको पकते धीरे धीरे पक रहा है, अब इसको क्या करेंगे बड़े भैया यहाँ पर नमक, और सभी तो पड़ गया यही नमक पूरा मेन है, यही नमक पड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको बड़े भैया ढाकेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे भैया नमक डाल दे रहे हैं 200-250 ग्राम के अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए बड़े भैया नमक डालते सभी डिग में ऐसे नमक डालते चले जाएंगे, और यहाँ पर देख लीजिए पूरा मटन में नमक पड़ा है। तो गाइस यहाँ पर आपके मुंह में ज़रूर पानी आ गया, ऐसा मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं प्रयास करूँगा इंडिया का सबसे बिगेस्ट और सबसे अच्छा मटन खिलाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कैसा बनाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पर सभी ढक दिए हैं, अब इसको धीरे धीरे पकाइए। यहाँ पर ऑलरेडी काजू बादाम किशमिश गरी का बुरादा यहाँ पर रखा गया और खोवा में मिला कर रखा गया, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि इसको डालने के बाद स्वाद कुछ दूसरा हो जाता है। तो गाइज हमारा यहाँ देख ले सभी डेग में ऑलरेडी पूरा पक गया है, अब इसको यहाँ पर ढाका गया है। तो ऑलरेडी मैं दिखा देता हूँ इसको बड़े भैया अब कैसे करेंगे, देख लीजिए कम से कम यहाँ पर सभी में मटन हमारा बनाया गया 6 क्विंटल, मैं बता दूँ इधर आधा क्विंटल बनाए उधर आधा क्विंटल, यहाँ पर बड़े भैया पक गया है उसको उतार देंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे उसको उतारते रहेंगे और ऑलरेडी हमारा मटन हो गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर इसको धीरे बड़े दोनों भाई इसको उतारेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा देख लीजिए पूरा मटन एकदम तैयार हो गया। तो सभी डेग में देख सकते हैं पूरा मटन तैयार हो गया। तो गाइज आप लोग को कैसा वीडियो लगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर देख लीजिए हमारा ये है कलेजी, हमारा देख लीजिए कलेजी ऑलरेडी यहाँ पर पक गया है, यही है सभी लोग पसंद करते हैं कलेजी खाने के लिए। तो गाइज ये देख लीजिए हमारा कलेजी पक गया है। तो गाइज तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।